हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 30 बाय 30 फीट का उत्तरमुखी होम प्लान लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इसका जो है 3D व्यू देख लीजिए। इसको अभी मैं देखिए बाहर से इसका वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है प्लान दिखा के आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह जो इसका 3D व्यू है और ये इसका राइट साइड व्यू है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, तो तुरंत एक लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अभी देखिए इसका लेफ्ट राइट व्यू आ रहा है और देखिए इसमें जो है रेलिंग दिया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट राइट में थोड़ा सा जगह दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह किचन है, किचन में वेंटिलेशन के लिए जो फैन लगाया गया है। और देखिए इसका लेफ्ट राइट व्यू है, और ये देखिए यहाँ पे एसी का जो ऊपर का कैबिन दिख रहा है आपको। और यहाँ जो फ्रंट में थोड़ा सा ओपन जगह दिया गया है, क्योंकि ये जो प्लॉट है वह तीनों तरफ से पैक है। आप प्लान देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका फ्रंट व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इसका फ्रंट व्यू है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको जो है इसका प्लान दिखा के आपको लेआउट समझा देता हूँ, तो आपका जो डाउट है वह सारा क्लियर हो जाएगा। इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों 30 फीट है और यहाँ पे फ्रंट में मेन रोड जा रहा है और यहाँ पे जो है एंट्रेंस है, ये जो गेट है आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। और इस जो 3D में ये स्टेयरकेस दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पर देखिए स्टेयर अभी वरांडा का जो साइज है वह दिया गया है 16 फीट 4 इंच बाय 11 फीट का। और यहाँ पे देखिए ड्राइंग रूम दिया गया है राइट साइड में, ड्राइंग रूम का साइज है 11 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का। तो जो ये दिख रहा है वह है ड्राइंग रूम। यहाँ पे एक डोर लग जाएगा, ये जो डोर है, और यहाँ पर आएगा तो हम आ जाएंगे डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया का साइज 10 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 6 इंच का। और यह जो दिख रहा है और यह जो इतना आपको लाइन दिख रहा है, यह पूजा के लिए इतना स्थान दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर एक विंडो और एक डोर लग जाएगा, यह जो विंडो और डोर आपको दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए वेंटिलेशन के लिए किचन में वेंट दिया गया है और जो किचन का साइज है वह है 10 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का। यहाँ पर देखिए एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, मास्टर बेडरूम का साइज है 14 फीट 7 इंच बाई 10 फीट का। और इसमें एक ही टॉयलेट दिया गया है, टॉयलेट का साइज है 5 बाई 7 फीट 9 इंच का, जो कि बहुत बड़ा टॉयलेट है। और जैसा कि आपको पता है, यह जो प्लॉट है वह तीनों तरफ से पैक है, तो इसलिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर साइड में इतना जगह दिया गया है और इस टॉयलेट के लिए यहाँ पर इतना जगह दिया गया है। तो इस बेडरूम के लिए वेंटिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, किचन का जो है वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, ये डाइनिंग रूम का यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पर विंडो लग जाएगा तो डाइनिंग एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वेंटिलेशन का। तो दोस्तों, यह रहा आज का एक छोटा सा प्लान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप लोगों का कुछ कमेंट है तो कमेंट्स करना ना भूलें। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।